हेलो एस्पिरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड एनालाइज यूपीएससी मेन 2021 ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर नंबर 1 डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पेपर नंबर 2 के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सेम पेपर 1 की तरह पेपर 2 में भी हमारे क्वेश्चन 8 आते हैं, जिसमें से हमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंपल्सरी अटेम्प्ट करना होता है। एंड अदर देन दैट हमें 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने होते हैं। सो आउट ऑफ 8 हम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें से हमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होते हैं, जिन्हें अटेम्प्ट करना ही पड़ता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है पेपर ए का। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए जो हमेशा ही लोकेशन से रिलेटेड होता है, तो इसमें 10 लोकेशन दी हुई हैं, साथ ही में हमें इंडिया का मैप दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ 30 वर्ड के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में लिखना होता है, और साथ ही हम उस लोकेशन को इस मैप के अंदर मेंशन भी करना होता है। यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे ही पिन पॉइंट करें, लेकिन आसपास अराउंड दैट पर्टिकुलर प्लेस आपको बताना होता है कि जैसे जीरो वैली है, कि जीरो वैली कहाँ है। तो जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में है, तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर जीरो वैली के बारे में कुछ लिखना है, और साथ ही साथ जीरो वैली के लोकेशन के बारे में भी इस मैप के अंदर बताना है। तो जीरो वैली कहाँ है? जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि न्यूज में थी, और इनकी यहाँ की कीवी बहुत फेमस होती है, और कीवी की वजह से ही न्यूज में थी। तो जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, या जो लोग ने पेपर दिया है ये वाला, उन्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मोस्टली ये लोकेशन करंट अफेयर्स में से ही आती हैं। तो हम सारी लोकेशन तो कवर कभी कर ही नहीं सकते इंडिया की, क्योंकि लाखों लोकेशन हो जाएंगी। तो जो करंट अफेयर की लोकेशन है, एटलीस्ट हम उन्हें कवर करने का हमें ट्राई करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। हमारी सेकंड लोकेशन है केचलोपरी लेक, जो कि गैंगटोक में है। स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, अलग है। तोरणमल महाराष्ट्र, ये मोस्टली आपकी न्यूज में होती है, तोरणमल भी न्यूज में थी। सुबर्णरेखा रिवर, इस रिवर के बारे में जो झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा को ड्रेन करती है, इस रिवर के बारे में हम प्रीलिम्स के अंदर ही पढ़ते हैं अपने ज्योग्राफी के फैक्ट्स को कवर करने के लिए। कोडरमा झारखंड, कोडरमा भी न्यूज में था, यहाँ पे कोविड के बहुत ज्यादा केसेस आए थे, इसी कंटेक्स्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि कोडरमा के बारे में जो करंट अफेयर्स में था वो लिख सकते हैं, और उसके लोकेशन को पिन पॉइंट कर सकते हैं इस मैप के अंदर। सर क्रीक बहुत ही फेमस लोकेशन है, इंडिया का जो पाकिस्तान का बॉर्डर है राजस्थान के साइड में, राजस्थान की साइड नहीं बोलेंगे तो हम, जो हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न साइड है इंडिया का, और जो बॉर्डर है वहां पे अरेबियन सी के ऊपर, वहां पे सर क्रीक एक डिस्प्यूटेड प्लेस है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर का। इसके बारे में हम न्यूज में, आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ते हैं, तो ये बहुत इजी है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम जब भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक मेजर सेंचुरी है, उसके बारे में जरूर पढ़ते हैं, जो कि केरला में लोकेटेड है। पीची डैम, पीची डैम भी न्यूज में था, यहाँ पे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक कुछ बन रहा था प्रोजेक्ट, जो कि केरला में है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो एंड दिग्बा बीच, जैसे हमने देखा है कि लास्ट ईयर काफी सारे साइक्लोन्स आए थे, और जो भी साइक्लोन बे ऑफ बंगाल के अंदर आता है वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को इफेक्ट तो करता ही करता है। तो उसी कंटेक्स्ट में दिग्बा बीच, जो कि वेस्ट बंगाल में है, पेपर में वो पूछा गया है, तो ये भी हम कह सकते हैं करंट अफेयर से ही आया है। पंबन आइलैंड, जो कि तमिलनाडु में है। तो हम 10 लोकेशन में से मैं ये मतलब पक्के ट्रस्ट से कह सकता हूँ कि 8 तो जो हमारी लोकेशन है वो करंट अफेयर से ही आई है। तो मेरी आप लोगों को यही राय रहेगी और एक टिप रहेगी कि आप करंट अफेयर के लोकेशन को बहुत अच्छे से कवर करें, जिससे कि आप क्वेश्चन नंबर ए में, जो कि सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर ए, 1 का ए हमेशा ही लोकेशन बेस्ड होता है, उसको आप अच्छे से कवर कर पाए, और मैप मार्किंग की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी है डिस्कस द जियो पोलिटिकल इंपैक्ट ऑफ बाइलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो ये क्वेश्चन हम इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पेपर में ये पूछा गया है कि इंडिया और भूटान के जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताएं। लेकिन हम इस क्वेश्चन में पोलिटिकल इम्पैक्ट के साथ साथ बाकी और चीज़ों को भी कवर करेंगे कि भूटान की लोकेशन कहाँ है, मैप बनाएंगे भूटान का, अरुणाचल और सिक्किम के बीच में छोटी सी जगह है भूटान, उनका मैप बनाएंगे, ये दिखाएंगे कि कौन से जो स्टेट बॉर्डर्स हैं हमारे, कौन कौन से स्टेट हैं जिनका भूटान के साथ बॉर्डर टच होता है, और बॉर्डर टच होने की वजह से हमारे ट्रेड या फिर कल्चर किस तरह से शेयर होते हैं, चाइना का क्या इन्फ्लुएंस है इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप पे। ये सब जानते हैं कि इंडिया और भूटान का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हम ये देखेंगे कि नेपाल का कोई इन्फ्लुएंस है क्या नहीं है,
न्यूज में डोकलाम का इशू था, उसके बारे में हम इस क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे। तो अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स की चीजों को लिंक करके क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर्ड हो सकता है। हमारा पार्ट नंबर सी है क्वेश्चन नंबर वन का, डिस्कस द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ वोल्केनिक सॉइल ऑफ इंडिया। तो वोल्केनिक सॉइल क्या होती है? इस नाम से ही क्लियर है कि वोल्केनिक सॉइल का मतलब है, वोल्केनिक सॉइल का मतलब है कि ऐसी सॉइल जिसका सोर्स वोल्केनो से हुआ है या फिर इग्नियस रॉक से हुआ है, जिसको हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। और ब्लैक सॉइल इंडिया के अंदर डेकन प्लेटू पे पाई जाती है, क्योंकि डेकन प्लेटू का जो सोर्स है वो वोल्केनिज्म ही है। हम ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल ही बोलते हैं, और रेगर सॉइल इज वेरी फेमस फॉर कॉटन कल्टिवेशन। तो हमने यहाँ पे वोल्केनिक सॉइल के बारे में बताना है कि वोल्केनिक सॉइल क्या होती है, उसकी लोकेशन कहाँ है, किस स्टेट में पाई जाती है, सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमिक का, और कितनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, क्या क्या फायदा होता है जो लोग उसके आसपास रहते हैं, सेमी एरिड एरिया में पाई जाती है, ये चीजें हमने सब मेंशन करनी है इस आंसर के अंदर। हमारा डी पार्ट है, गिव द रीजेंट अकाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन शुगर इंडस्ट्री ऑफ नॉर्थ एंड पेनिनसुलर इंडिया। लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर एक चीज ऑब्जर्व की गई है कि जो शुगर इंडस्ट्री है जो लोकेटेड थी सेंट्रली काफी सालों से नॉर्थ इंडिया के अंदर, स्पेसिफिकली यूपी एंड बिहार में, इट इज शिफ्टिंग टू पेनिनसुलर इंडिया, स्पेशली इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि नॉर्थ की जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है यूपी और बिहार में कंसंट्रेटेड थी, वो पेनिनसुलर इंडिया महाराष्ट्र और कर्नाटका में क्यों शिफ्ट हो रही है, ऐसे क्या रीजंस हैं जो उनको यहाँ से नॉर्थ से पेनिनसुलर इंडिया में शिफ्ट होना पड़ रहा है, और अगर वो नॉर्थ से शिफ्ट हो रही हैं तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, और अगर वो पेनिनसुलर इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं तो वहाँ पे क्या फायदा होगा, क्या एडवांटेजेस होंगी या क्या डिसएडवांटेजेस होंगी। अगर हम इस क्वेश्चन में इतना बता देते हैं तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से आंसर कर दिया है। आप साथ में चाहें तो मैप भी यूज कर सकते हैं, यूपी और बिहार को दिखा सकते हैं कि इस स्टेट के अंदर शुगर इंडस्ट्री पाई जाती है, शुगर मिल पाई जाती है, और आप पेनिनसुलर इंडिया को भी मेंशन कर सकते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया किसे बोलते हैं, कर्नाटका महाराष्ट्र को मेंशन कर सकते हैं कि जहां पे शुगर इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, जिससे कि आंसर आपका और इफेक्टिव और आपको अच्छे मार्क्स दिला सके। हमारा क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर ए है, लैंडस्लाइड इज अ मेजर प्रॉब्लम इन हिमालयन रीजन, डिस्कस इट्स कॉजेज एंड मिटिगेशन मेजर्स। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है लैंग्वेज को थोड़ा इधर या उधर करके। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि हिमालयन रीजन के और जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है, वेस्टर्न घाट्स के जो हमारे माउंटेन्स हैं, उनके अंदर लैंडस्लाइड ज़्यादा कम क्यों होती है, ज़्यादा कहाँ होती है, हिमालय के अंदर ज़्यादा होती है या वहाँ ज़्यादा होती है। किसी ना किसी तरीके से यूपीएससी लैंडस्लाइड्स के क्वेश्चन को पूछता ही पूछता है, साइक्लोन्स के क्वेश्चन को पूछता ही पूछता है। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को, जो रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं, उन्हें मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ये बताते हैं कि उनको कवर करना कितना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में आई थिंक समझने वाली ऐसी कोई अलग बात नहीं है, जो बच्चे ज्योग्राफी या इवन जीएस भी अच्छे से पढ़ते हैं वो इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर पाएंगे। और हमने इस क्वेश्चन को जीएस के आंसर से कैसे अलग करना है, यहाँ पे हम मैप बनाएंगे, हिमालयन का मैप बताएंगे, कुछ करंट अफेयर्स को ऐड करेंगे, कुछ ऐसे लैंडस्लाइड के इश्यूज, कुछ पर्टिकुलर स्टैट्स ऐड करने का ट्राई करेंगे। अगर वो चीज़ आप ऐड कर पाते हैं तो क्वेश्चन आपका अच्छे से आंसर हो पाएगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर बी है, अप्रेस व्हाई ड्रॉट इज वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स इन इंडिया। क्यों सूखा भारत में सबसे आम जलवायु चरम विषमताओं में से एक है, मूल्यांकन कीजिए। हमने ये बताना है कि इंडिया के अंदर ड्रॉट क्यों आता है, और सबसे ज्यादा ड्रॉट किस एरिया में आता है, और क्यों आता है, रीजन क्या है। आप चाहे तो बता सकते हैं कि ड्रॉट क्या भी होता है, और हमने ये भी बताना है कि ड्रॉट पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ आता है। अगर आप चाहें, अगर आप बना सकते हैं तो मैप जरूर बनाएं कि ड्रॉट प्रोन एरिया कौन कौन से हैं, ड्रॉट आने से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज क्या फेस करने पड़ते हैं, ड्रॉट क्यों आता है, इससे हमारा जो वाटर मैनेजमेंट की जो सिग्निफिकेंस है कितना बढ़ जाता है, हमें वाटर कंजर्वेशन कितनी करनी चाहिए, मॉनसून शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि हमारा मॉनसून अब श्रिंक हो गया है, आता सेम टाइम पीरियड पर ही है लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो गई है, कुछ कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा आता है और कुछ कुछ एरियाज में बहुत कम आता है, इम्बैलेंस है बेसिकली। हमें वो चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन के अंदर, तभी हम इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर सी है,
डिस्कस द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ रिवर लिंकिंग इंडिया। ये प्योर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। हमने केन बेतवा रिवर इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, मेंस के लिए पढ़ा है, तो हमने इस क्वेश्चन में यही बात करनी है कि जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, आपस में मिलकर किस तरीके से इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने की बात कर रही हैं। जैसे अगर हम केन बेतवा की बात करते हैं तो ये एक कंसर्न सामने आया था कि जो पन्ना नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व है वो डूब जाएगा। तो ये भी ऐसे कंसर्न्स क्या क्या आएंगे, इकोलॉजिकल कंसर्न्स क्या होंगे, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं क्या उनको मूव करना पड़ेगा, माइग्रेशन होगी, कितने लोगों को या फिर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे कि कितने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट प्रपोज हैं, कितने चल रहे हैं। केन बेतवा के बारे में ज़रूर बताएंगे, केन बेतवा का मैप बताएंगे कि केन कहाँ है, बेतवा कहाँ है, केन से बेतवा पानी ट्रांसफर हो रहा है या बेतवा से केन पानी ट्रांसफर हो रहा है। मैं ये बातें आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको खुद ही एनालाइज करनी है और इस आंसर को अच्छे से आंसर करने का ट्राई करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसके तीन पार्ट हैं, ए बी एंड सी। हमारा पार्ट नंबर ए है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी इन फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो हमने सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर नंबर वन के अंदर भी डिस्कस किया है, तो ये बात तो हम कोई छुपी हुई बात नहीं है या फिर ऐसी कोई बात नहीं है जिस किसी को ये कॉन्सेप्ट ना पता हो कि सोलर एनर्जी इज द फ्यूचर ऑफ एनर्जी इन इंडिया, इवन इन द वर्ल्ड। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी सोलर एनर्जी को बहुत एग्रेसिवली प्रमोट करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया है, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि वो स्टार्ट कर चुके हैं प्रोजेक्ट, गुड़गांव के अंदर ISA का हेडक्वार्टर भी है। तो हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सोलर एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी हमारे देश में हमारी एनर्जी कंसम्पशन किस एनर्जी से पूरी होती है, थर्मल एनर्जी से पूरी होती है, हम सब जानते हैं। साथ ही हमने ये बताना है कि सोलर एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या कोई डिसएडवांटेज भी है सोलर एनर्जी की, हमने ये भी बताना है, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको आंसर करने के बाद बाकी स्टूडेंट से एक एज दे पाए। क्योंकि सोलर एनर्जी के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट भी कुछ रख पाते हैं तो आपका क्वेश्चन बाकी आंसर से अलग बन जाएगा। तो ट्राई करो कि ऐसे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात करने की, ऐसे कुछ पर्टिकुलर सोलर एनर्जी प्लांट्स के बारे में बात करने की, स्टेट में आपको कोई याद हो, कुछ पता हो, आपने प्रिपरेशन करी हो, उनको मैप में मार्क करने का ट्राई करो। अगर आप इस तरह से मैप बना के आंसर करते हैं, बताते हैं कि सोलर एनर्जी के अंदर क्या टेक्निक्स यूज होती हैं, कुछ बेसिक बताते हैं अगर, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर बी है, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम फॉर सॉल्विंग अर्बन प्रॉब्लम्स इन इंडिया। स्मार्ट सिटी के अंदर को लेके क्वेश्चन GS में और इकोनॉमिक्स में, इवन ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्वेश्चन कई बार UPSC पूछती है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के बारे में बताओ, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताओ, और जो अर्बन प्रॉब्लम है उसके बारे में बताओ कि स्मार्ट सिटीज़ के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। वाटर कंजर्वेशन ऑब्वियसली एक फीचर है, इलेक्ट्रिफिकेशन एक फीचर्स है, 24/7 बिजली मिले एक फीचर्स है, एम्प्लॉयमेंट मिले एक फीचर्स है, जो हमारा ड्रेन सिस्टम है और जो हमारा वाटर कंजर्वेशन है वो सब अच्छा हो, स्मार्ट सिटीज़ के ये सब फीचर है, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। अर्बन प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी पड़ेंगी और स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम किस तरह से उन सब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सोल्व करने का ट्राई करता है, आपको इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर स्मार्टली इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो आप अच्छे क्वेश्चन, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। हमारा पार्ट नंबर सी है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ इको टूरिज्म इन रिलेशन टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया। देखो, इससे तो कोई बात ऐसी नहीं है कि जो हमारे देश का टूरिज्म है वो हमारे देश के जो टूरिज्म स्पॉट है उनकी जो ब्यूटीनेस है उनको बहुत ख़राब करता है। जैसे हम कभी गोवा जाते हैं या मुंबई जाते हैं, वहाँ के बीचेस में लोग खाना खा के प्लास्टिक की बोतल को फेंक देते हैं, जो कि ब्यूटिफिकेशन ख़राब करता है और साथ साथ वाटर को पोल्यूट भी करता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो इको टूरिज्म एक वही कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट ट्रैवल का कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है, कि आप ट्रैवल तो करो, टूरिज्म तो करो, लेकिन आपके ट्रैवल से, टूरिज्म से किसी भी तरह के एनवायरमेंट को कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन सामने नहीं आनी चाहिए, उसको हम इको टूरिज्म कहेंगे। इको टूरिज्म के अंदर कई तरह के मॉडल देखने को मिले हैं, लोग काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें कर रहे हैं, कि जैसे आप कहीं पे जंगल में रहने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको झोपड़ी के अंदर कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करके कम लाइट में, इवन कभी कभी तो कुछ मॉडल्स में लाइट नहीं प्रोवाइड करते, मोमबत्ती प्रोवाइड करते हैं,
जिससे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बिल्कुल भी ना हो, शोर ना मचे और जो आसपास लोग रहते हैं उनको भी तंग ना करें आप, उसे ही हम इको टूरिज्म कहते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि इको टूरिज्म क्या होता है, और इको टूरिज्म सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन दोनों को लेके हम डिस्कस करना है, एग्जामिन करना है बेसिकली कि क्यों जरूरी है और बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हम उसे कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके 3 पार्ट हैं, ए बी एंड सी। हमारा पार्ट नंबर ए है, डिस्कस द रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल वराइटीज ऑफ कोल इन इंडिया। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कोल रिजर्व कहाँ कहाँ पे हैं। हमारे कोल रिजर्व काफी स्टेट में हैं, महाराष्ट्र में हैं, यूपी में हैं, झारखंड में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, बिहार में हैं और वेस्ट बंगाल में हैं। तो हमने ये सब बताना है, मैप में मेंशन करके मैप बनाना है कोल रिजर्व्स का, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है वो बताना है, प्रोडक्शन हम कितनी खुद करते हैं देश में, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है और उसमें से हम कितनी रिक्वायरमेंट को खुद पूरा कर पाते हैं और कितना हमारा एक्सपोर्ट है। और इसी तरह से हमने क्वेश्चन को रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन के आसपास ही आंसर लिखना है कोल के। कोल की इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकते हैं आप कि कोल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। अगर उस तरीके से हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो ये क्वेश्चन अच्छे से डोएबल है आंसर करना। हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, डिस्क्राइब द सेलियंट फीचर्स ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। तो जब भी हम इंडिया के अंदर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं तो हम रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। रिवर दो तरीके की होती है इंडिया में, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो होती हैं जो सबमर्ज होती हैं जाके बे ऑफ बंगाल के अंदर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर वो होती हैं जो सबमर्ज होती हैं अरेबियन सी के अंदर। हमारी मोस्टली रिवर्स जो हमारे मेजर रिवर सिस्टम है जैसे कि गैंजेटिक रिवर सिस्टम और जो हमारी साउथ की पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, वहां की जो बड़ी बड़ी रिवर जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो हमने यही बताना है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब क्या है, कौन कौन सी रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और ईस्ट फ्लोइंग रिवर ही क्यों है, वो ईस्ट की साइड ही क्यों जाती हैं। हमारे देश की टोपोग्राफी मिडल में ऐसी है कि वो रिवर को ईस्ट की तरफ मोड़ देते हैं। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को आंसर करना है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर के फीचर्स को बताना है कि ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर सबमर्ज होती है या फिर जाके पानी उनका बे ऑफ बंगाल में गिरता है तो क्या वो डेल्टा बनाती है कि नहीं बनाती है, ऑक्सबो लेक बनती है कि नहीं बनती है, फ्लड प्लेन बनते हैं कि नहीं बनते हैं, कैचमेंट एरिया किस तरीके का होता है। आप चाहें तो कुछ बड़ी सिटीज का नाम भी बता सकते हैं कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर, अगर आप गैंजेटिक सिस्टम के बारे में डिफाइन करना चाहते हैं विद एग्जांपल्स तो आप एक मैप बना सकते हैं कि कौन कौन सी रिवर, जरूरी नहीं है कि सारी रिवर बताएं बट आप कुछ रिवर एक मैप के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। जैसे आप गंगा को कर सकते हैं, गोदावरी, महानदी, कृष्णा को कर सकते हैं, दिखा सकते हैं टीचर को कि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और आप एक इस यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन करके आए हैं इस पेपर को देने के लिए। हमारा सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट के अंदर हम हर तरह के प्रॉब्लम की बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, उसके रीजंस क्या हैं, कौन कौन से स्टेट, जैसे हमने रिसेंटली न्यूज के अंदर असम और नागालैंड का एक इशू देखा है, आई थिंक असम या नागालैंड था या अरुणाचल या नागालैंड था, दोनों में से कोई एक था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हमने वो एक पर्टिकुलर न्यूज में देखा है कि इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट था। जैसे कि हम रिवर डिस्प्यूट भी काफी देखते हैं, कावेरी रिवर डिस्प्यूट बहुत फेमस है, तो इंटर रिवर डिस्प्यूट होता क्या है, कौन कौन से इंटर रिवर डिस्प्यूट हमें न्यूज में देखने को मिलते हैं या कौन कौन से फेमस है, उसके बाद हम ये बताएंगे कि प्रॉब्लम्स को एग्जामिन करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट या हमारी कोई स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप उठा रही है। आप चाहें तो कुछ सजेशन भी दे सकते हैं लेकिन हमें क्वेश्चन मेन एग्जामिन करना है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को। हमारा पार्ट बी यहां से स्टार्ट हो जाता है और पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि हमारा कंपलसरी क्वेश्चन होता है। इसके 5 पार्ट हैं और पांचों पार्ट का आपको सोल्व करना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर ए है, डिस्कस द सेलियंट फीचर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया। ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी ज्योग्राफी ऑप्शनल में पहले नहीं देखा क्योंकि हम प्रोजेक्ट टाइगर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं हमारा करंट अफेयर कवर करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट 1973 में हुआ था, इसके सैलियंट फीचर्स क्या हैं, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं और कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन से टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। सब नहीं बता सकते हो आप ऑब्वियसली, लेकिन कुछ जो मेजर हैं न्यूज में रहे हो, जैसे आप पेरियार टाइगर रिजर्व बता सकते हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व बता सकते हैं, किस किस स्टेट में हैं, वो कहाँ पे हैं, अगर कोई टाइगर की मूवमेंट देखी गई है लास्ट कुछ ईयर्स में आप वो बता सकते हैं,
और प्रोजेक्ट टाइगर के चलते क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि किस ईयर में टाइगर की पॉपुलेशन कितनी थी और आफ्टर द प्रोजेक्ट टाइगर हमने कितनी पॉपुलेशन को अचीव किया है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इतना मेंशन करते हैं तो ये आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जो कि एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इजी सबके लिए है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो इस आंसर में अलग करना पड़ेगा जो आपको एक एज प्रोवाइड करे। तो उस एज को प्रोवाइड करने के लिए आप फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स या मैप यूज कर सकते हैं। हमारे फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर बी है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन इंडिया गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो इस क्वेश्चन को हमने ये बताना है कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। क्लाउड बर्स्ट का बेसिकली मतलब यह है कि बहुत कम टाइम में एक पर्टिकुलर जगह बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, ऐसा लगे जैसे बादल फट गया है, एकदम पानी इतना आ जाए कि कंट्रोल से बाहर हो जाए, उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो हमने देखा है कि लास्ट कुछ मंथ में या लास्ट ईयर में उत्तराखंड में काफी इंस्टेंसेस देखे गए हैं क्लाउड बर्स्ट के, तो हमें उसको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल देने हैं कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट होता क्यों है, क्लाउड बर्स्ट के इफेक्ट क्या है, एंड इवन लोकल लेवल पे, क्योंकि ये लोकल लेवल इशू है, क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो लोकल लोग रहते हैं लोकल एरिया पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एज कम्पेयर टू अगर हम मैक्रो लेवल बात करें इंडिया के तो। लेकिन जो लोकल प्रॉब्लम ही है, अगर कहीं पे पर्टिकुलर एरिया पे क्लाउड बर्स्ट होगा तो वहीं की इंफ्रास्ट्रक्चर को हानि पहुंचेगी या फिर डिस्ट्रक्शन होगा, तो हमने उस कंटेक्स्ट में ही बात करनी है। कुछ एग्जांपल्स देके बात करेंगे तो आंसर बहुत ही ब्यूटीफुली आप आंसर कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिवली आंसर कर सकते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर सी है, डिस्कस द रोल ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन हिली रीजन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वाटरशेड क्या होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कितनी जरूरी है और हिली रीजन पे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कितनी जरूरी होती है। अब आपने पूरे इस क्वेश्चन का आंसर, जो हमने बात करी है कि हमने कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, हमने बात करनी है वाटरशेड मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट के बारे में कि वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है और वो कितना जरूरी है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए, स्पेशली इन हिली एरियाज। अगर आप चाहें तो कोई अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है देश में जो आपने कभी पढ़ा है उसके बारे में एग्जाम्पल दे सकते हैं, उस एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चन और इफेक्टिव हो जाएगा। पार्ट नंबर बी है, डी है, क्रिटिकली एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ रेवेंस्टाइन लॉ ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन विद रेफरेंस टू दिस। तो रेवेंस्टाइन लॉ है एक माइग्रेशन का, जो बात करता है कि माइग्रेशन कैसे होती है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ माइग्रेशन, कि माइग्रेशन के बाद क्या होता है और माइग्रेशन होती क्यों है। तो हमने उस, अगर आपको ये लॉ पता है तो भी तभी इस बात का, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो पहले आप लॉ को डिफाइन करेंगे कि रेवेंस्टाइन लॉ ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन है क्या, फिर आप उसको इंडिया के कंटेक्स्ट में या रेफरेंस में डिस्कस करेंगे कि रेवेंस्टाइन लॉ जो इंडिया की माइग्रेशन के अंदर कैसे रेलेवेंट है और कैसे आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से इस क्वेश्चन को रिलेट करते हैं तो आपको ये आंसर जरूर देना चाहिए। और ऐसे लॉ फेमस लॉ है ये रेवेंस्टाइन लॉ पॉपुलेशन माइग्रेशन, जब भी हम माइग्रेशन का टॉपिक पढ़ते हैं ऑप्शनल के लिए तो ये हम कवर करते हैं। तो आई थिंक आपको ये आंसर देना चाहिए, काफी डोएबल क्वेश्चन है, इजीली आंसर है बेसिकली। ई है, डिस्कस अशोक मित्रा क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ इंडियन सिटीज। यहां पे हमने अशोक मित्रा की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करनी है। तो अशोक मित्रा 7 एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं, माइनिंग, हाउस होल्ड, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। सात इन एक्टिविटीज को लेके वो एक तीन ग्रुप बनाते हैं जिसको हम ट्राइंगुलेशन मेथड बोलते हैं। हमने उसी मेथड को इस क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस करना है, उसको हम ट्राइंगुलेशन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, जिसके अंदर तीन तरह के वो टाउन बताते हैं, मैन्युफैक्चरिंग टाउन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट टाउन एंड सर्विस टाउन। तो अगर आप इन पर्टिकुलर चीज़ों को, अपने सात एक्टिविटीज़ को और ट्राइंगुलेशन मेथड को, ट्राइंगुलेशन टेक्निक को, तीनों टाउन को डिस्कस करते हैं तो इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर आप दे सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लाइमेटोलॉजी से है, साइक्लोन के बारे में है। आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं कवर करने का ट्राई करते हैं, इवन फॉर जीएस के लिए हम साइक्लोन जरूर पढ़ते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जरूर पढ़ते हैं। तो आप इसे बता सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं। यू कैन स्टार्ट विद दिस विद द बेसिक डेफिनेशन एंड बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ साइक्लोन्स एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, मोस्टली किस किस स्टेट को इफेक्ट करते हैं,
क्या इंपैक्ट होता है। साथ में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, जो कि हमें विंटर्स में हमारे देश में जो थोड़ा सा मॉनसून आता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उसको इफेक्ट करता है नॉर्थन इंडिया के अंदर, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सोर्स क्या है जो कि मेडिटेरेनियन सी होता है। उन चीज़ों को अगर आप डिस्कस करते हैं अच्छे से तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता कि कोई भी बच्चा, ऑप्शनल की बात छोड़ दो, अगर कोई बच्चा यूपीएससी का मेंस दे रहा है और उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चन। एग्जामिन द क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बी है, एग्जामिन द क्रिटिकल इश्यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। तो ग्राउंड वाटर जो हमारा है वो काफी टाइम से न्यूज में है, ये प्योर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है विद कॉन्सेप्ट। तो हमें पता है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है, उसका जो ग्राउंड वाटर का हमारा पानी का लेवल है वो कम हो रहा है। अब जो हम ट्यूबवेल से पानी पहले निकाल के पीते थे हम उसको पी नहीं सकते क्योंकि वो खारा हो गया है। उसका रीज़न ये है कि जो पानी का लेवल है नीचे गिर चुका है, और जब हम नीचे वाला पानी बाहर निकालते हैं तो जो मिनरल उसके अंदर होते हैं वो हमारे टेस्ट में फील होते हैं और उसको हमारा अब वो पीने लायक नहीं रहा बेसिकली। और हमने देखा है कि पंजाब के अंदर ड्यू टू द एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हमारा ग्राउंड वाटर जो है पूरा टॉक्सिक हो चुका है। और ग्राउंड वाटर बहुत ज़रूरी एक चीज़ है हमारी किसी भी पर्टिकुलर, चाहे हम इंडस्ट्री की बात करें, हमारे स्मार्ट सिटीज़ की बात करें, मेगा सिटीज़ की बात करें, या हम किसी भी तरीके डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ग्राउंड वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है डेवलपमेंट को पुश करने के लिए। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में हमें आंसर ये बताना चाहिए कि ग्राउंड वाटर रिसोर्स होते कौन कौन से हैं, किस तरह से वो हमारे ख़राब हो रहे हैं, इश्यूज़ क्या है, गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं उसको ठीक करने के लिए। साथ में ये बता सकते हैं थोड़ा सा एग्जामिन करते हुए कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप क्या क्या स्टेप यूज़ कर सकते हैं जिससे ग्राउंड वाटर कम हो। बहुत बेसिक हमने स्कूल में स्टेप पढ़े हैं कि ब्रश करते हुए टैप वाटर बंद करें जिससे पानी कम वेस्ट हो। वाटर कंजर्वेशन बेसिकली बहुत ज़रूरी है हमारे देश में इस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिलीफ फीचर ऑफ डेकन प्लेटू। हमने डेकन प्लेटू के रिलीफ फीचर के बारे में बात करना है कि वो एक प्लेटू है, हाई लैंड है, उससे जो हमारी रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जो वोल्केनिज्म से वो बना हुआ है, जो उसका सोर्स है वो वोल्केनिज्म है, तो वहाँ पे रिवर कैसी कैसी हैं और पुरानी रिवर हैं एज कम्पेयर टू द पेनिनसुलर रिवर आर ओल्डर देन द हिमालयन रिवर्स, हमने ये बताना है। रिलीफ फीचर्स क्या हैं डेकन प्लेटू के, हम ये डिस्कस कर सकते हैं। टोपोग्राफी डिस्कस कर सकते हैं हम, ये डिस्कस करते हैं वहाँ पर सोइल कैसी पाई जाती है, कौन कौन से हमारे वहाँ पर एग्रीकल्चर सूटेबल है वहाँ के लिए। तो बेसिकली हम डेकन प्लेटू का मैप बताएंगे कि मैप डेकन प्लेटू है कौन सा एरिया और मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं। अगर हम इतना कुछ बताते हैं तो ये क्वेश्चन अच्छे से आंसर हो सकता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जिसके द्वारा 3 पार्ट है, ए बी एंड सी। पार्ट नंबर ए है, क्रिटिकली एग्जामिन हाउ पंचायती राज सिस्टम इज कैटलिस्ट इन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया। अगर किसी ने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बुक अच्छे से पढ़ी है और साथ में करंट अफेयर्स को भी अच्छे से पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। हमने पंचायती राज के बारे में बताएंगे इसके अंदर, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है और सेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है उसके बारे में डिफरेंस बताएंगे, फिर बताएंगे कि पंचायती राज डिसेंट्रलाइज प्लानिंग किस तरीके से है और कब पंचायती राज स्टार्ट हुआ था, गांधी जी पंचायती राज को कितना फोकस करते थे, प्रमोट करते थे, लोकल गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारे देश में, कितने लेवल पे है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा और इजीली आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर बी है, आइडेंटिफाई द मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंगलुरु मुंबई कॉरिडोर। प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन कौन से हैं। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, जैसे कि दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, बेंगलुरु मुंबई जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सब कॉरिडोर्स हैं। कॉरिडोर को मेंशन करना है, मैप बना के पॉइंट करना है कि कौन सा कॉरिडोर कहाँ है। एग्जैक्टली मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप उतना मेंशन करें कि आपको पता है कि कौन कौन से एरिया कहाँ पे है। साथ में आपने इस क्वेश्चन में बेंगलुरु मुंबई कॉरिडोर के बारे में डिस्कशन करनी है कि क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या फ़ायदा मिलेगा वहाँ के लोगों को, क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और करेक्टरिस्टिक क्या है उस कॉरिडोर के, कहाँ पर वो किस तरीके से रोड से जो हमारे पोर्ट्स हैं कनेक्ट होते हैं,
क्या फायदा होगा इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, ट्रेड में, ये सब डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर सी है, एसेस द ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इन लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। ये प्योर इकोनॉमी का क्वेश्चन है जिसे हमने ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जिनको हम प्यार से एमएनसीज बोलते हैं, और वो इंडिया के अंदर मेजरली और एग्रेसिवली स्टार्ट हुई थी 1991 के बाद, जब इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म आए थे जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिबरलाइज इकोनॉमी के बारे में बात करनी है कि लिबरलाइज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है और एमएनसीज किस तरह से ग्रो हुई हैं हमारे जब से हमने देश में लिबरलाइजेशन लाई है या फिर ग्लोबलाइजेशन हम लेके आए हैं, हमने अपने प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया है बाहर की कंपनीज के लिए, हमारी कंपनी बाहर जाके अपने सेंटर्स खोलती हैं, ऑफिस खोलती हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस लिबरलाइजेशन के बाद कैसे इंडिया के अंदर ग्रो की है और इंडिया में क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ पूछा है तो मैं बोलूँगा कि सिर्फ ग्रोथ के बारे में ही बात की जाए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके भी तीन हमारे स्टेप हैं, सॉरी तीन पार्ट हैं, ए बी एंड सी। ए पार्ट है एग्जामिन हाउ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज बूस्टेड द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन रीजन्स ऑफ इंडिया। इस पार्ट में आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात करनी है कि किस तरीके से आईटी इंडस्ट्री ने इंडिया के अंदर, बीच में अभी आईएमएफ का एक आर्टिकल भी था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है उसने इंडिया के अंदर किस तरह से इकोनॉमिक बूम लेके आए हैं, और सर्टेन रीजन जैसे हम गुड़गांव के एरिया को देखते हैं, बेंगलुरु को देखते हैं, हैदराबाद को देखते हैं, कैसे उन रीजन के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है और कैसे इकोनॉमिक बूस्ट आया है। हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करना है। हमारा 8 का पार्ट नंबर बी है, डिस्कस द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एलिमिनेटिंग रीजनल इनइक्वालिटीज इन इंडिया। ये तो प्योर सिलेबस से क्वेश्चन है, करंट अफेयर नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा। सीधा सीधा बताना है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है और उसमें रीजनल इनइक्वालिटीज को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं और क्या उसके इम्पैक्ट हैं रीजनल इनइक्वालिटीज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर सी है, क्रिटिकली असेस द स्टेटस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इन इंडिया एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू कॉम्बैट द इशू। इकोनॉमी का क्वेश्चन है और ज्योग्राफी के तरीके से हमें आंसर करना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा माइनस में होता है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से, सॉरी इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। और हमने कुछ मेजर भी ट्राई करने हैं आंसर करने के इस क्वेश्चन में कि किस तरह से हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट पॉजिटिव हो एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट, जिससे कि हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और बाकी जो कंट्रीज के अंदर हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इससे। तो हमने इसी तरह से इस क्वेश्चन को क्रिटिकली एक्सेस करना है बैलेंस ऑफ ट्रेड के कंटेक्स्ट में, और कुछ मेजर भी देने का ट्राई करने हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के इशू को सॉल्व करने के लिए। तो पेपर 2 को देख के हम कुछ लर्निंग ले सकते हैं कि पेपर वॉज नॉट अनकन्वेंशनल, या फिर पेपर टफ था, या फिर आउट ऑफ द बुक्स था। पेपर प्योरली सिलेबस में से था, इजिली डोएबल था, अच्छे से आप समझ के सोल्व कर सकते हैं। ऑल द क्वेश्चन आर फ्रॉम सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा लैंडस्लाइड का, साइक्लोन का, स्मार्ट सिटीज के क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाते हैं। मुझे तो लगता है कि ज्योग्राफी ऑप्शन की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं, थोरली सॉल्व करते हैं, तो 60-70% सिलेबस तो वैसे ही हो जाता। लिंक करंट अफेयर विद स्टैटिक, जो भी स्टैटिक चीजें हैं जैसे कि इंटरलिंकिंग का क्वेश्चन था और हिमालयन का रीजन क्वेश्चन था, क्लाउड बर्स्ट का क्वेश्चन था, अगर आप उसे करंट अफेयर के टॉपिक से स्टैटिक टॉपिक को मैच करके आंसर करते हैं तो काफी अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। डोंट लीव एनी टॉपिक इन द सिलेबस, किसी भी टॉपिक को सिलेबस में छोड़ के ना जाएं। जैसे कि हमने पेपर में लाइटनिंग पढ़ी थी, लाइटनिंग का टॉपिक हमने कभी नहीं छोड़ना, ऐसे टॉपिक को हमने मिस नहीं करना जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेक अ स्मॉल नोटबुक फॉर लोकेशन, ये मेरे लिए एक एडवाइस रहेगी सब एस्पिरेंट्स को कि जो भी करंट अफेयर में लोकेशन आ रही है उनका एक नोटबुक बनाएं और उन सबके बारे में लिखें और हफ्ते में एक बार या दो बार उसको एक बार पढ़ लें कि जो लोकेशन अगर देखने को मिलती है, जैसे कि पन्ना टाइगर रिजर्व देखने को मिलता अगर न्यूज़ के अंदर, तो देख ले कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उसकी लोकेशन बना ले छोटी सी एक एरिया के अंदर कि भाई एमपी के अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व है तो यहाँ पे हमारी लोकेशन है, अगर क्वेश्चन आएगा तो 30 मिनट में लिख दूंगा इस पे। तो हम आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच।